Good morning guys, welcome back to One Assamese Guys channel. And yes, good morning from Spangmik village. And there is no dog here. Ek bhi kutta is village mein nahi hai. Khali Bella baithi hai. Okay, Bella ke paas leke jata hu. Isko agar leash se khol dunga na, ye bahut dur fir se bhag jayegi. Kal isko dhoondne mein kam se kam 1 ghanta lag gaya. Wahan us jo ghar hai, wahan tak pahunch gayi thi wo. Fir hum log ne dhoond dhoond ke nikala isko. आज इसको एक्चुअली लीश से इसलिए भी नहीं खोला है क्योंकि आज हम लोग का रेस्ट डे नहीं है. आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे हानले के लिए और कल हानले से हम लोग जाएंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड दैट इज उमलिंगला. आजा, गुड मॉर्निंग सबको बोलिए. वाओ, वेरी गुड. आजा, कम ऑन जंप. शाबाश. स्वीतु अभी एक्सपर्ट बन चुकी है. एक्सपर्ट मतलब बाइक से जंप करना, बाइक में उठ के बैठना, फुल एक्सपर्ट बन चुकी है. पर थोड़ा सा इसको बोलना पड़ता है. मुझे पता है कि वो वहाँ पर जो नीचे आर्मी लोग मिले थे ना, आंटी लोग जहाँ पे फोटो खींच रहे थे हम लोग पेंगोंग में, वो अंकल आके बोलता है कि तुम्हारा डॉग बहुत अटेंशन सीखर है, बोलता है. अटेंशन सीखर है, उसके आगे ये जाके पूरा खेल रहे थे. अच्छा, हमारे डॉग बेला अटेंशन तो सीख करेगी आए यार. वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे है कि नहीं, कोई डॉग है नहीं है आज तक, है ना सीजो? बोले हमने अपना जर्नी यहाँ से हानले तक का, मतलब स्पांगमिक विलेज से हानले तक का शुरू कर दिया है. अब कितने बजे पहुँचेंगे देखा जाएगा. वैसे भी ये रास्ता हमारे होमस्टे तक का था, थोड़ा सा ही ऐसा ऑफ रोड है. बाकी ये देखिए, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा अच्छा वाला रास्ता. थोड़ा आपको साइड से दिखा दूंगा होमस्टे कैसे दिखता है, वो देखिए. अलग ही सेक्लूडेड है, अलग से है, अच्छा है, रह के मज़ा आया. बाकी होमस्टे के बारे में अभी छोड़ दीजिए. ये देखिए कितना सुंदर है ना पेंगोंग लेक. बाय गॉड, कलर देखिए पूरा मिंट कलर का होकर रखा है. ओ माई गुडनेस, दिस इज़ द ब्यूटी. This is the beauty of Pangong Lake and this is the beauty of Ladakh. यहाँ पे स्पांगमिंग विलेज में वैसे भी बहुत सारे ऐसे होमस्टेज वगैरह है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. मगर जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, तो ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है. देखिए कितने सारे वो सब है. यही रखूँगा. ये देखिए ये सब है, बहुत सारा है, बहुत सारा है. रेस्टोरेंट शॉप्स, इन लोगों में बहुत सारा खाने का ऑप्शन तो नहीं है. आप लोगों को फ्राइड राइस, मैगी, चाउमीन यही सब मिलेगा. ये देखिए ग्रैंड हिमालयन मार्ट, ऐसे बहुत सारे टेंट्स वगैरह लगा हुआ है. बहुत सुंदर है. आप बिल्कुल पेंगोंग लेक के साइड साइड से हम लोग राइड करेंगे हानले तक. ये वाला विलेज भी बहुत सुंदर है. अगर आप लोग स्पांगमिक से थोड़ा आगे आते हो तो यहाँ पे भी रह सकते हो. योको माँ होम स्टे जो भी है, इस वाले विलेज में आप लोग बिल्कुल साइड पे ही आपका वो है पेंगोंग लेक लगा हुआ है. तो इस वाले विलेज में भी आप लोग आ सकते हो. हम लोग स्पांगमिक में रुके रहते, अदरवाइज इस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये अता रेके दिए ही लेने की रास्ता कले गई. अच्छा रोबा आते तारक तक कम हिपिंदे बोले प्रकाश फंस गया वहाँ पे. टायर लगे निकी बे सभी. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, होमस्टे यहाँ पे भी है. मेरक आमची होमस्टे, मेरक सोनम होमस्टे, मेरक. अच्छा मेरक पहुँच गए क्या हम? अच्छा देखिए यहाँ पे भी होमस्टे अवेलेबल है, तो आगे आ सकते हो. और पेंगोंग तो सामने ही है, कहीं पे भी आप लोग रुक सकते हो. भैया ये कौन सा गाँव है? गाँव कौन सा है ये? भाई भी अलग ही है. मैंने बोला गाँव कौन सा है, बोले ऐसे ऐसे. तो गांव कौन सा है? अरे सीधा जाओ.
আৰু বহুত আহিব এনেকুৱা বলা বলা ইয়াতে ইয়াতে कहाँ से जाएगा यहाँ से। थैंक यू। यहाँ पे बेसिकली कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, ऐसे एक ट्रेल फॉलो करना है। अब ये कितना दूर तक है ये पता नहीं, ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच, मतलब क्या है, देखिए पहाड़ उस तरफ है, नदी इस तरफ, मतलब हमारे पेंगोंग लेक इस तरफ है, और हमें एक ट्रेल फॉलो करते हुए जा रहे हैं यहाँ पता नहीं कहाँ तक। सो आई थिंक पेंगोंग का स्ट्रेच यहाँ पे ख़त्म होता है, क्योंकि पेंगोंग का स्ट्रेच फिर उस तरफ चले जाता है, तो उस तरफ आई थिंक आई एम श्योर चाइना है, और हम लोग अभी इस तरफ जाएंगे चुलचुल के लिए। तो पेंगोंग का स्ट्रेच यहाँ तक ख़त्म होता है। हम लोग, मैं बता देता हूँ आप लोग, हम लोग कितने किलोमीटर आया, 30 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। चलो यहाँ देख बेला फुल्ली एंजॉय करिए इस वैली को। ये चुलचुल है, चुलचुल आगे है, बहुत ही सुंदर जगह। यहाँ पे कैंपिंग करने का एरिया बहुत है, बट ये आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कैंपिंग अलाउड है कि नहीं है, बिकॉज चाइना बॉर्डर है बिल्कुल सामने। एंड हाँ, ये जगह बहुत ही सुंदर है, मतलब यहाँ पे रुक के सब लोगों को नेटवर्क मिल रहा है, हर कोई फ़ोन पे बिजी है। मेरा तो एयरटेल और वोडाफोन है, तो इसलिए मेरा तो कोई नेटवर्क नहीं है, तो मैं बस फोटो और वीडियो ही ले रहा हूँ। मस्त मस्त मस्त, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही कैंपिंग का एरिया, खाली हवा थोड़ा तेज़ है। चलो चले गया, चल अच्छा चले गया तेरी। गाइज, हनले पहुँचने से पहले, मतलब 4 घंटा हनले है, ये लास्ट रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट एंड नाइट स्टे भी है वैसे, चुसुल। तो हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं अभी, क्या खाएंगे वो पता नहीं। फ्राइड राइस है, चाउमीन है, भैया से पूछते हैं, किचन पे घुसते हैं डायरेक्टली। भैया, खाने में क्या क्या है? और प्राइस कितने कितने का है? फ्राइड राइस कितने का है? अंडा डालेगा तो 170 है। अंडा डालेगा तो 170। एक अंडा या दो अंडा? दो अंडा 170। और चाउमीन में अंडा डालेगा तो वही 170 है। 170, ओके। डालेगा तो 150 है। मैगी भी मिलता है? मैगी भी है। मैगी कितना? ब्रेड ऑमलेट भी है। ब्रेड ऑमलेट कितना? ब्रेड ऑमलेट का 50। और मैगी का? मैगी का 50। आपका रिकॉर्ड करा ना, सब लोग देखेगा यूट्यूब में, तभी तो आएगा। और भैया, बाकी सबका कितना? फ्राइड राइस वगैरह ये सब 170 विथ एग। विथ एग? हाँ, 2 eggs। ये तो खा दी मैं। ठीक है, फ्राइड राइस दे दो। ऑर्डर एक साथ ही दे देते, रुकिए एक बार लिख दो, तो एक बार में हो जाएगा फिर। यहाँ से ऐसे, और सब एक ही रास्ता है, और लेफ्ट। आगे भी जाओ पड़े, इतनी जाओ पड़े। ये सब मुझे सॉल्ट लग रहा है, और सॉल्ट के बीच में से एक छोटा सा लेक है, ये सॉल्ट ही होगा आई थिंक, डाउट है, इसीलिए वाइट होके रखा है पूरा। अब ये पूरा लग रहा है कि डेजर्ट है, डेजर्ट के बीचों बीच हम बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। What is this? A water pass. Okay,
अभी तो यहाँ कोई रहता है? इज दिस अ नोमेडिक ट्राइब? ये नोमेडिक ट्राइब है या कंस्ट्रक्शन वाले हैं ये तो हमें पता नहीं, मगर ऐसे कंस्ट्रक्शन वाले होंगे। नोमेडिक भी हो सकता है क्योंकि बस देखिए पूरा सारा वो है गोबर वोबर गिरा हुआ यहाँ पे। ओ मैन, ज़िंदगी में एक विश था कि इन लोगों के साथ एक रात बिताऊँ, इन लोग का लाइफ स्टाइल जानने का मुझे बहुत इच्छा था। सो दिस इज़ द नोमेडिक ट्राइब का पूरा वो सेटलमेंट एरिया, मतलब ये तो हर जगह एक जगह तो नहीं रहते पर घूमते रहते हैं। हाय, हाउ आर यू? स्टोरी ऑफ द डॉग? देयर इज नो स्टोरी, जस्ट शी जस्ट ट्रैवलिंग विद मी। आप कहाँ से लाए डॉग को? अभी तो मैं हूँ असम से, बट आई एम बेस्ड इन दिल्ली। दिल्ली से लाए उसको? Yes, she has been traveling with me for nearly 9,000 kilometers now. Just like this? Just like this. She's just 9 months old. She has been traveling with me for 6 months now, but I have been traveling for 11 years. Wow, what's her name? Her name is Bella. Hey, Bella. Hello, Bella. Adapted from Uttarakhand. बिस्किट देना चाहिए, पार्ले जी दे दूँ क्या? ये एक्चुअली वैसे तोड़ में खाती नहीं है, आप दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मगर खाएगी नहीं वो। क्यों? मेरे पास भी एक डॉग है। अच्छा, इसका नाम है नोला। नोला, ओके। आई कॉल हर डेजी। ओके ओके, मैंने नॉर्थ ईस्ट पूरा कर रखा है। ओके, गुड गर्ल। हेलो, सुन रही है? गुड गर्ल, गुड गर्ल ना? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपका बिस्किट यहाँ रख दूँ, जब खाना तब खा लेना। ये जाके सेटल होगी, फिर यहाँ वहाँ दौड़ेगी, उसके बाद खाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड, कैन आई टेक अ फोटो? या या, शो, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। आई थिंक दिस इज अ नोमेडिक ट्राइब। हाँ, यस यस, इन फैक्ट आई कैन टेक बोथ ऑफ। या, श्योर, नो प्रॉब्लम। ओनर एंड प्राइड। हेलो, क्या नाम बोला? बेला। बेला, वी आर बेला चाओ। Sagala Pass. Howdy. Sagala Pass. Sagala 15,260 feet. Let's go. এই বাইক ঠিকে আছে, এই বালিবোৰৰ কাৰণে। বাছ 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 বাছ, ৰ'ম গৈ লওঁ। হা, ৱেইট বহুত জ্যাদা হে, আৰু বালি মে না পুৰা। এইপিনে অসমৰ মানুহ বহুত আছে, আমি আৰ্মি টাংষ্টেড আৰ্মি কেম্পত সোমাই আহিছিলোঁ। আমি এতিয়া এইপিনে যাম ন, এইপিনে যাব লাগিব। আমি টাংষ্টেড আৰ্মি কেম্পত সোমাই আহিছোঁ, দাদা এজন আছে তাতে, আমাক পুৰা টেংক চেংকত উঠাই পুৰাই সেইবিলাক, আপোনালোকৰ ডিউটি আছে, যাওক, আমি যাওঁ, গৈ থাকোঁ। আহিছোঁ দাদা, দেই। অঁ, এই বালিবিলাকৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ। আহিছোঁ দাদা, सर आज तक ऐसे कोई आया है? ऐसे नहीं। बाइक में नहीं आया ना? हाँ, हम लोग सब आसाम से। आप तो आसाम गए होगे, आपका पोस्टिंग हुआ होगा आसाम में। शिला पठार, सुरेंग राजकुमार। हाँ, मैं डिब्रूगढ़, जोरहाट। मैं जोरहाट से हूँ, मेरे को एक इंडियन फ्लैग यहाँ पे गिरा हुआ दिखा,
तो मैंने सोचा कि उसको क्यों ना पिक कर लूँ यार। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब आने से ही फ्लैग लगाते हैं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर हम लोग रियल देशभक्त है, देश प्रेमी है, तो हमेशा हमें हमारा फ्लैग, झंडा ऊँचा रखना पड़ता है। आई थिंक ये इंडिया का ही मैप है। यहाँ पे ऐसा जाए एंड रोशन फिर देख भी दे। झंडा हमारा गिरा हुआ मिला। ये हम लेके जाएंगे और उमलिंगला में इसको उड़ाएंगे। चलो इसको फोल्ड करते हैं। लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में ये लेके घूमते हैं और जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो फेंक देते हैं। मीनवाइल इसको पॉकेट में ही रख लेते हैं। क्या लग रहा है वीडियो लोग, कहाँ किस तरफ जाना पड़ेगा रे? ये तो ITBP कोई है, मुझे नहीं लगता इस तरफ ही हो। हाँ नुमा है सर, चले फिर से बोले। सैंड सबसे खतरनाक होता है, बहुत फटाक से स्लिप कर देता है, बहुत संभाल के जाना पड़ता है दोनों साइड से पैर रख के, नहीं तो गिर जाएंगे। आराम से आराम से आराम से। ओ भाई 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 मत गिरा, दोबारा मैं पहले ही सैंड पे गिर चुका हूँ। गाइस ये है रोंगो विलेज, RHONGO या तो RHANGO, रेंगो रोंगो। बहुत ही सुंदर है यार, अगर ड्रोन वोन फुटेज यहाँ पे उड़ा सकता था ना तब आप लोगों को दिखा पाता कि कितना सुंदर है। हालांकि ये आर्मी वाला एरिया है, ड्रोन लाउड नहीं है। देखिए छोटी छोटी चिड़िया, वाओ ब्यूटीफुल मैन। G9 इंडियन आर्मी के आर्मी को सलाम थोकते हुए और हम लोग साइड दे रहे हैं, आर्मी वाले को जाने के लिए दे रहे हैं। गाइस मोस्टली हानले जब रिप्रेजेंट करता है या तो वीडियोस में दिखता है, फोटोज में दिखता है, वहाँ ऊपर जो ऑब्जर्वेटरी है वही दिखाता है और काफ़ी फेमस है। और वो थोड़ा प्लेन बैरन ऐसे हिल वाले माउंटेन्स पे है, तो इसीलिए लगता है कि हानले ब्यूटीफुल नहीं है शायद, पता नहीं कि हानले कैसे होगा। मगर आपके सामने हानले है, ये देखिए बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल। ओके वी हैव अ फ्रेंड, व्हाट इज द नेम यू सेड? MS इज फ्रॉम मिजोरम। वी मेट अ नॉर्थ ईस्टर्न गाय हियर, ही केम आउट फ्रॉम दिस होम स्टे एंड ही वाज ग्रीटिंग अस एंड वी मेट टुगेदर एंड टुमारो वी विल बी गोइंग टू उमिंगला टुगेदर। ग्रेट टू सी मैन। What is your name? Pardon? Your name? MS. MS Prakash. Yeah. You're from where exactly? Mizoram. Aizawl. Yeah, you're from Sitar, right? Yeah, yeah. We can go all together. Yeah. Oh. Don't send your bike, okay? We'll go by bike. No, we'll go by, we're going by bike only, bro. Yes. That's a better. We have just one more plan. Yeah. After this, we are planning to go to Sach Pass. Sach Pass. That's one of the deadliest pass. Join us. No, my time is already limit now. See, I already spent around 15 days for riding. Then tomorrow I'm planning to go to Umlingla, going back to here. After that, I'm planning to go home like till Jispa. There is a route. Ha ha, Jispa. From Jispa to Manali and that. Yeah, I stay there in Jispa, then Manali to Delhi. I was thinking like that. We can meet them. We can give to. I'll give you my number and give me. Yeah. Till then, we can ride together, no? Yeah. Oh, guys, खाना खा लिया और दोस्तों ने भी खा लिया। Actually, मुझे अपना मेमोरी कार्ड थोड़ा सा खाली करना है, तो अपना मैं काम कर रहा हूँ। और बेला को यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड मिल गया है,
इसका नाम क्या है? इसका नोनो डिगेल देखियो। ए चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ जाए, हैंडशेक। ए शश आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिगमेट है। जिगमेट को बहुत बेला पसंद आई है और वो तब से खेले जा रही है उसके साथ। यही यार, यार हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते जा रहे हैं, पीछे प्रकाश खड़ा है एंड वीडियो बनाते जा रहे हैं यार, लोग हमें पसंद करते जा रहे हैं, बेला को बहुत लोग पसंद करते जा रहे हैं, वो ऑलरेडी स्टार बन चुकी है। और कल अगर मैं और बेला उमिंगला सेफली पहुंचते हैं तो आई थिंक आज तक यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो अपने डॉग को बाइक के पीछे उठा के उमिंगला आया है। क्या आप बताओ, उमिंगला कोई ऐसा आया है जिसके पीछे बाइक में बैठ के डॉगी कोई लाया है आज तक? नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक अगर ये होता है देन इट्स गोना बी अ वो रिकॉर्ड खोल दो तुझे। सो या कल के लिए वेट करते हैं और कल का ब्लॉग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।